जय जीशु। मोर प्रिय भाई और भौनी माने समस्त केमती अछंदी आपण माने प्रथम तर पाए आमर ए यूट्यूब चैनल नवजीवन वाणी देखुछंदी कि हेले सब्सक्राइब करंतु, लाइक करंतु, शेयर करंतु। शुणिबा साद लोकंक सुसमाचार अध्याय 22 पद संख्या 14 रु दिव्य प्रसादर अनुष्ठान समय आसवर जीशु तांक शिष्य मान सहित भोजन करने को बसिले से मानकु कहिले मोर यात्रा भोग पूर्व मु तुम मान सहित यही निस्तार पर्व भोजन करने को अभिलाष पोषण करी कारण मु तुम मान कहि ईश्वर राज्य पूर्ण न होगा जाए मु आउ एहा भोजन करी नहीं से पान पात्र ने धन्यवाद दे कहले निय निज मध्य भंडन कर कारण मु तुम मान कहूँ ईश्वर राज्य न आस पर्यंत मु द्राक्ष रस पान करी नहीं। तत्पर से रोटी नहीं धन्यवाद दे और ताहा भांगी से मानक दे कहले हम मोर शरीर जहाँ तुम मान को दिजिव मोर स्मरणार्थे तुम्हे माने एहा करो। सेपरी भोजन पर से पान पात्र नहीं कहले यही पान पात्र मोर रक्तर नूतन व्यवस्था जहाँ तुम मान को निमंदे ढाली दिजिव। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मोर अति प्रिय भाई और भौनी माने ए पृथ्वी रे अपना शिष्य मानकु जीशु बेसी प्रेम करुथिले हेले एही संसार ए पृथ्वी चाड़ी बापांग निकट को फेरी जीवा पूर्वे गोटे साइड बापा ताकु डाकंदे पुओ आसो और तांगर प्रेरित माने तांगर शिष्य माने पितरो आंद्रेयो जोहनो जाकोबो फिलिप बर्तलोमियो थॉमस माथ्यू इत्यादि प्रभु अमुक छाड़ के जाऊं तो नहीं आम संके रहंतु हेले समान समय रे बापांग हृदय रे और शिष्य मानंग भीतर रहिवा पाई जीशु एही दिव्य प्रसाद स्थापन कले सदा जुगांत पर्यंत मु तुम मानंग संगे अच्छी माथ्यू 28:20 रे सदा प्रभु देतिवा सही प्रतिश्रुति ताहा ही ए संस्कार रे पूर्ण होची। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आसन दबे माने जीवा जोहन गस समाचार अध्याय 6 5000 लोकन को भोजन दान सुनिबा पद संख्या 9 एटार जने बालक अच्छी जहाँ निकट रे 5 जबर रोटी और 2 माछ अच्छी किंतु एही विराट जनता पाए ताहा कौन हेब। जीशु कहिले लोक मान को बसिबा को कह से स्थान रे प्रचुर घास थिला लोक सेतरे बसी पड़िले से माने प्राय 5000 थिले। तत्पर जीशु रोटी ने ईश्वर को धन्यवाद देबा परे बसुवा लोक मान मध्य परेषण कले से माछ गुड़ी को मध्य यथेष परिमाण रे वितरण कले। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। देखते मोर भाई भौनी माने 5 रोटी रु 5000 रु अधिक लोक मान को जीशु कुआइले माने कौन जीशु प्रमाण देउछोंदी तांकर शक्ति अच्छी कुशक्ति रोटी बढ़ेबा पाए रोटी गुणन करने पाए रोटी परिवर्तन करने पाए प्रभु कहते तुम्हें मो हाथ में गोटे रोटी रख यह परिवर्तन करने पाए प्रभु कहते तांगर शक्ति अच्छी। यस रोटी बढ़ेबा पाए जीशंकर क्षमता अच्छी ताहा प्रभु एही आश्चर्य कर्म द्वारा तार प्रमाण प्रभु दे अच्छा जखन समाचार आम आगे अध्याय 6 पद संख्या 19
पंचवच्छ किलोमीटर नौका बाहिला परे समने देखले जे जीशु समुद्र उपरे चली चली नौका आड़को आसुचुंदी। यस पानी उपरे चलीबा मनुष्य पाय नॉर्मल लोक पाय ता संभव नुहे किंतु जीशंक पाय ता संभव। आउ केमते जने पानी उपरे चलीबे माने निजर शरीर रे किछ ना किछ परिवर्तन आणिबार शक्ति अछि कहार जीशुंकर सेतर कोनसी संदेह नाही काकि से होचंदी स्वर्गमते सृष्टा सर्वशक्तिमान सदा प्रभु खेले रोटी बढ़ेबा पाए तांगर शक्ति अछि बोली तार प्रमाण देला परे निजर शरीर उपरे तांगर पूरा पूरी परिवर्तन करिया पाए क्षमता अछि बोली तार प्रमाण देला परे जीशु आमको कौन कहिले जहन लोक सुसमाचार अध्याय 22 पद संख्या 19 रे तत्पर जीशु रोटी नहीं धन्यवाद देले ओ ताहा भांगी सेमान को देख कहिले एहा मोर शरीर प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड कौन से आमर किसी डाउट संदेह अच्छे कि नहीं प्रभु स्पष्ट भाव कौन जहन सुसमाचार अध्याय 6:51 मुही स्वर्ग अवतीर्ण से ही जीवंत रोटी किसी डाउट अच्छे कि आमर डाउट नहीं किंतु जो श्रोता मैंने प्रथम तरफ पाए शुणुले से मानकर डाउट थी। परवर्ती वाक्य जहन 6:52 एथेर जिगुदी मैंने परस्पर मध्य तर्क वितर्क कले लोक किपर निजर मांस मान भोजन निम्ते देव ता मैंने कौन जीशु टे एडजस्ट करवा कहले कि जमा ना वाक्य 54 सत्य सत्य मु तुम मान कहे तुम मैंने जदि मनुष्य पुत्र मांस भोजन और तांग रक्तपान न कर तुमठार जीवन रही जो मैंने मोर मांस भोजन रक्तपान करती से अनंत जीवन लाभ करती। प्रभु जो सदा प्रभु रोटी बढ़ेबा पाए तांगर शक्ति अच्छी बोली तार प्रमाण देले तापर निज शरीर परिवर्तन करिबा पाए पानी उपरे चलिबा द्वारा तार प्रमाण देले तापर प्रभु स्पष्ट भाव कहंदी से ही स्वर्ग अवतीर्ण से जीवंत रोटी रोटी नहीं कि से कहचंदी मु ही एहा मोर मांस प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड किंतु जे लोक माने ताकू सुनिले से माने कोन कहिले एही शिक्षा कठिन किए एहा को ग्रहण करी पारिबो तार फल जहन सुसमाचार अध्याय 6:66 से ही कारण तांगर से मध्य अनेक ताको परित्याग कले एवं से माने आउ ताहांग सह सह गले नाही। प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हेलो देखो मोर भाई भौणी माने जेतो अनेक लोक माने तांगठार ताकु तिरस्कार करी दूर को चली गले हेले मध्य जीशु तांगर ए शिक्षा रे दिव्य प्रसाद विषय रे तिबा शिक्षा रे आउ टिके एडजस्ट करबा को से चेष्टा कोले नाही निश्चय प्रेरित माने ताकु अनेक भीतर तांगर सौखारी माने बहुत दुख रे ताकु नै थिबे माने कोन प्रभु से मानकु डाकंदु एहा न कले भी चोलीबो दिव्य प्रसाद पवित्र बोली नहले भी चलो तापाई प्रस्ताव हवा पाप शिकार नहले भी चलो प्रभु से मानकु डाकिले कि आसो आम टे एडजस्ट करवा से कहले कि जमा ना बर प्रभु से मानकु कौन कहले परवर्ती वाक्य जहन 6:66 जीशु द्वादश मानक पचारे तुम्भे मान मध्य कौन चली जावाक चाहूच कि यस मोर भाई भौणी माने ये पृथ्वी सब क्रिश्चियन लोक मान अनेश सत्य कोड़ा
ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି ବିଷୟରେ ନ ବୁଝିଲେ ମଧ୍ୟ, ବିଶ୍ୱାସ ନ କଲେ ମଧ୍ୟ, ଏହି ଶିକ୍ଷାରେ ଟିକେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ନାରାଜ। କାହିଁକି ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଁ, ସ୍ୱର୍ଗରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆମ୍ଭେମାନେ ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ରଙ୍କର ମାଂସଭୋଜନ ରକ୍ତପାନ କରିବା ଦରକାର। ମୋର ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଏହା ହିଁ ଆମେ ଏଠୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବା। ଆଉ ପବିତ୍ର ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ଦେହ ପ୍ରସାଦ ସ୍ଥାପନ କଲାବେଳକୁ ସେ ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ଯାଜକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦରକାର। ପୁରାତନ ନିୟମରେ ଆରୋନ ଆଉ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନଗଣକୁ କେମିତି ଅଭିଷେକ ଦେବା ସେ ବିଷୟରେ ମୋଶାଙ୍କୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି। ବହିର୍ଗମନ ଅଧ୍ୟାୟ 40 ପଦ ସଂଖ୍ୟା 12-13। ତତ୍ପରେ ଆରୋନ ଆଉ ତାର ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ସମାଗମ ଶିବିର କପାଟ ଦେଶକୁ ନେଇ ଆଣି ଜଳରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦୌତ କର। ଆରୋନଙ୍କ ପବିତ୍ର ବସ୍ତ୍ର ପରିହିତ କରାଇ ଅଭିଷେକ ପୂର୍ବକ ଶୁଦ୍ଧଭୂତ କର, ତାହେଲେ ସେ ଯାଜକୀୟ ବୃତ୍ତିରେ ବୃତ୍ତି ହୋଇ ମୋର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ହେଲେ ନୂତନ ନିୟମକୁ ଆସିଲା ବେଳେ ଯିବା ଜହନଙ୍କ ସୁସମାଚାର ଅଧ୍ୟାୟ 13, ଜହନ ଅଧ୍ୟାୟ 13 ପଦ ସଂଖ୍ୟା 4-5। ଏହା ଜାଣି ଯୀଶୁ ଭୋଜନରୁ ଉଠିଲେ, ନିଚ୍ଚର ଉପରେ ପରିବ ପିନ୍ଧା ପୋଷାକ କାଢ଼ି ନେଲେ ଏବଂ ଗାମୁଛା ନେଇ ନିଜ ଅଣ୍ଡାରେ ଗୁଡ଼ାଇ ବାନ୍ଧିଲେ। ତତ୍ପରେ ସେ ପାତ୍ରରେ ଜଳ ଢାଳିଲେ ଓ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କର ବାଦ ଧୋଇ ଗୁଡ଼ାଇବା ଗାମୁଛାରେ ପୋଛିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ହେଲେ ମୋଶାଙ୍କୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଲେ ଯାଜକମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଅଭିଷେକ କରିବାର ଅଛି। ସମାନ ନୂତନ ନିୟମରେ ଯୀଶୁ ଅନ୍ତିମ ଭୋଜନ ସମୟରେ ଦିଓ ପ୍ରସାଦ ସ୍ଥାପନ କଲା ପରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କର ଗୁଡ଼ ଧୋଇକି ସେମାନଙ୍କୁ ଅଭିଷେକ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ପାଇଁ ଆମେ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା, ଆଉ ଯାଜକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ରହନ୍ତୁ। ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପରମେଶ୍ୱର ପିତା ଓ ପୁତ୍ର ଏବଂ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଜୟ ଯୀଶୁ।